अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। और आप लोग सब बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और आज कुछ काम तो था नहीं, बच्चे गए रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ आलू पालक की भुजिया। तो आलू पालक की भुजिया है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद और वो खाते हैं साथ में बेसन की रोटी, तो हम लोगों को तो नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, शौहर के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैं उसी की तैयारी करने जा रही थी, तो मैंने कहा कि लाएं आपसे भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं आज आलू पालक की भुजिया बना रही हूँ। तो आइए आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझसे, और ऐसे ही मुझे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो मैं आज बना रही हूँ आलू पालक की भुजिया। तो आलू पालक की भुजिया के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पालक आलू। तो हम दिखाते हैं आपको पालक आलू। तो जी व्यूअर्स, अजान हो रही थी तो मैंने थोड़ी देर स्टॉप कर दिया था। तो हम बना रहे हैं आलू पालक की भुजिया। तो मैंने ले लिए यहाँ पर आलू 4 अदद और ये पालक, ठीक है। हम तो खाते नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती पालक, बच्चे खाते हैं तो बच्चे भी कम ही खाते हैं, शौक से नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं आलू पालक की भुजिया। तो मैं आज बना रही हूँ आलू पालक की भुजिया और इसके साथ बेसन वाली रोटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि हम पालक वगैरह बनाते हैं और किस तरह मैं आलू पालक की भुजिया बनाती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, हमारी आलू पालक वहाँ बन चुकी है और ये कचरा है और ये आलू पालक है, ठीक है। और हमारी अवरेश भी पढ़ के आ चुकी है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सीधी बैठो। अस्सलाम वालेकुम। और क्या पढ़ के आई आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लाम जबला, लाम जेली, लाम पेचलू, लालीलू। ये पढ़ा है? पहुंच गई मैं। यहाँ पहुंच गई सबक में? हाँ। चलो शुक्र है। तो पारा कब तक खत्म हो जाएगा तुम्हारा? बाद में। बाद में? बहुत देर से। चले जी, तो फिर हम बनाते हैं आलू पालक की भुजिया। पहले इसको धोएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। रेडी हो गया है। इधर मैंने टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और हल्दी सिर्फ, और इधर है 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा, ठीक है। और ये आलू पालक की भुजिया धो चुकी हूँ मैं, इसको वॉश कर चुकी हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अच्छी तरह इसको लेते हैं। ये देखिए, तो अब हम ये मसाला भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जीरे की और मसाले की। तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, तब तक इसके अंदर टमाटर जो है ये बिल्कुल गल जाए। तो हम ये इसके अंदर पालक आलू डाल चुके हैं,
थोड़ा सा हम इसको मिक्स करके और हम इसको आलूओं को और पालक को गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये पालक जो है खुद ही पानी छोड़ेगी और ये इसी में ही ये आलू हो जाएंगे, हम पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी हल्की आंच पे इसको पकाएंगे जितने कि ये आलू और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए। तो ये देखिए ये हमारी पालक ने पानी छोड़ दिया है, मैंने पानी नहीं डाला था और इसके अंदर ही ये देखें आलू भी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये होते हैं तो हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम रख देते हैं तब तक इसका आलू गल जाते हैं। और यहाँ मैंने ये भून दिया है बेसन का आटा, बेसन और आटा मिला के मैंने इसमें सिर्फ नमक आटा गूंदा है। यहाँ पे बेसन के पराठे बनते हैं और इसके साथ आलू पालक की भुजिया के साथ। और यहाँ ये रेवर देखिए मेरी आलू पालक की भुजिया बिल्कुल भुनने का ऊपर आ चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। आलू मेरे गल चुके हैं, ये देखिए ये देखिए तो आराम से मेरे आलू फूट रहे हैं और ये आलू पालक की भुजिया बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारी आलू पालक की भुजिया बिल्कुल रेडी है, यानी कि भुन चुकी है। बिल्कुल मसाला हमने भून लिया है अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम अजाने हो रही हैं तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं।